हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी इंडियन राइटर्स के एमसीक्यूज की और विद कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम एक राइटर को लेते हैं और उस राइटर का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं, साथ ही साथ उनके एमसीक्यूज को देखते हैं, जो पेपर में आने वाले एमसीक्यूज है उन्हें देखते हैं। अब ये जो इंडियन राइटर्स हैं, ये आने वाले लिटरेचर के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यूजीसी नेट के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हो। हम डिटेल जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इससे पिछली वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें। इसमें इस वीडियो में भी आप बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है, जिससे कि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिले और ज्यादा डीप स्टडी से मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट्स हैं उनको शेयर कर पाऊं। आज के हमारे जो राइटर हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। इन्होंने विमेंस के हक के लिए, उनकी जो अथॉरिटी है उनके राइट्स के लिए बहुत सारे वर्क लिखे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। नाम है इनका शशि देश पांडे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, एट प्रेजेंट भी ये अलाइव हैं, ठीक है। और इन्होंने इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वर्क्स लिखे हैं जिनको अगर आप पढ़ोगे भी ना तो उससे आपको मोटिवेशन अलग लेवल की मिलेगी। महिलाओं के लिए स्पेशली इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं, ठीक है, उनके राइट्स को लेकर, उनके साथ आने वाली समस्या को लेकर। तो शुरुआत हम जो कर रहे हैं इनके कोट से करते हैं, ठीक है। इनका एक इंपॉर्टेंट कोट है, क्या है, विमेन विदाउट मैन आर टोटली डिफरेंट क्रीचर्स, ठीक है। इनका इन अ पॉजिटिव वे आपको ये मीनिंग लेना है कि विदाउट मैन जो विमेन है वो टोटली डिफरेंट क्रीचर्स हैं, है ना। ये मैन ही हैं जो उन्हें बाउंड करते हैं, उन्हें बांध के रखते हैं, या फिर उनको उनके राइट्स उन्हें नहीं मिलते, ठीक है। तो इस चीज को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है। हो सकता है कि एग्जाम में कोटेशंस भी पूछ ली जाए तो वो कोटेशंस भी इससे हमें याद होंगी, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक कोट ये साथ ही साथ ये भी कहती है, इसको भी आप देख सकते हो, I don't like to call myself a feminist writer, ठीक है। मुझे ये पसंद नहीं है कि मुझे कोई feminist writer कहे, क्योंकि मैं women rights के बारे में लिखती हूँ या women's के जो अधिकार हैं उनके बारे में ही लिखना पसंद करती हूँ। I am a feminist, I say I am a feminist, but I don't like to propagate an ism. लेकिन हालांकि मैं एक feminist हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोई भी प्रोपोगेंडा नहीं फैलाती हूँ या फिर कोई इज्म का, जैसे कोई वाद फैला दिया या स्पेशली कोई मुद्दे को लेकर, कोई क्राइटेरिया को लेकर मैं कोई वाद विवाद नहीं फैला रही हूँ, ठीक है, ये इनका कहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर रही हैं। अब इनकी बायोग्राफी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में जानेंगे, देन हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो काफी लंबी होगी इसलिए हम जल्दी जल्दी चीजों को देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन से शुरुआत होगी। शशि देश पांडे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट हर बर्थ ईयर, ओके, 1938 में इनका जन्म होता है। क्या है, आपको डेट भी ध्यान रखनी है, तो डेट क्या है, 19 अगस्त, ठीक है, 19 अगस्त 1938 में इनका जन्म हुआ, ओके। प्रेजेंट हैं, एट प्रेजेंट अलाइव हैं, इज अ रिनाउंड इंडियन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेस्ट। हालांकि इन्होंने देखो चिल्ड्रंस बुक भी लिखी हैं, एसे का कलेक्शन भी लिखा है, साथ ही साथ इनके शॉर्ट स्टोरीज के काफी सारे कलेक्शन पब्लिश हुए हैं, लेकिन ये जो फेमस है ना वो नॉवलिस्ट के नाम से फेमस है, ठीक है, इंडियन फेमस नॉवलिस्ट हैं ये, ओके। आगे चलते हैं, इनकी बायोग्राफी देखते हैं। अर्ली लाइफ, बॉर्न ऑन अगस्त 19 अगस्त 1938 इन धारवाड़ कर्नाटका इंडिया। तो इनका जन्म कहाँ होता है, धारवाड़ में होता है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये ना डेट करेक्ट कर लेना, ये टाइपिंग एरर हो गया है, ओके। तो ये 19 अगस्त 1938 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर हुआ है, धारवाड़ कर्नाटका में इनका जन्म हुआ है। इनके फादर कौन है, फादर आद्या रंगाचार्य, जिनका अगर हम निक नेम बोल सकते हैं या इन्हें क्या कहते हैं, श्री रंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आद्या रंगाचार्य, ये कन्नड़ ड्रामेटिस्ट रहे हैं एंड राइटर। तो आप जान सकते हो कि इनके जीन्स में ही राइटिंग्स का वो रहा है एक तरीके से, ये मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जहां पर पहले से इनके फादर भी जो है वो राइटर रहे हैं, कन्नड़ ड्रामेटिस्ट और राइटर रहे हैं, ठीक है। इनकी मदर का नाम है शारदा आद्या, हाउसवाइफ है। इनका निक नेम
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। और इनके निक नेम को ध्यान रखना है, नाम है निरूपा योगी, ठीक है, इनका निक नेम है निरूपा योगी, और ये मतलब इनके फादर इन्हें प्यार से निरूपा योगी कह के बुलाते थे। आगे मैरिज, इनकी मैरिज होती है डॉक्टर धीरेन्द्र एच देश पांडे से, और कौन से ईयर में इनकी मैरिज होती है वो भी आपको ध्यान रखना है, 1962 में, ठीक है, इनकी मैरिज हुई थी किससे, डॉक्टर धीरेन्द्र एच देश पांडे से। आगे चलते हैं इनकी, हम एजुकेशन की चर्चा करते हैं। इन्होंने एजुकेशन, तो आप जानोगे कि इन्होंने दो तरीके की डिग्रियां ली है, जैसे ऑनर्स की डिग्री ली है इकोनॉमिक्स में, साथ ही साथ इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो की है वो इंग्लिश में की है। ग्रेजुएटेड विद अ बीए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई 1957। तो ध्यान रखना है 1957 में दो जगह से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, ये भी ध्यान रखना है, एक तो मुंबई से और दूसरा इन्होंने कर्नाटका से, ठीक है। तो मुंबई एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से 1957 में इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली, मतलब ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में। आगे एमए इन इंग्लिश 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर कर्नाटका से। ओके, आगे इसके बाद क्या होता है, आल्सो स्टडीड जर्नलिज्म फ्रॉम विद्या भवन मुंबई, साथ ही साथ इन्होंने मुंबई जाकर विद्या भवन से क्या जर्नलिज्म की पढ़ाई भी की, साथ ही साथ वर्क्स एज अ जर्नलिस्ट फॉर द मैगजीन ऑन लुकर, एक मैगजीन थी ऑन लुकर, उसके लिए इन्होंने थोड़े टाइम के लिए वर्क भी किया एज अ जर्नलिस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैगजीन का नाम ध्यान रखना है ऑन लुकर। तो मेन मेन पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ वो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और इन चीज को हम बाद में रिवाइज भी करेंगे। स्टार्टेड राइटिंग इन 1970। अब इनके लिटरेरी करियर के बारे में बात करें तो इन्होंने जो शुरुआत की थी राइटिंग की वो 1970s से इन्होंने लिखना शुरू किया था। पब्लिशिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड एसेज, स्टार्टिंग में इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, अपनी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश किया था, ठीक है। उस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो पब्लिश हुआ 1978 में वो पब्लिश होता है, और उसका नाम होता है द लेगेसी एंड अदर स्टोरीज, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का आया था। उसके बाद में इनका पहला नॉवल पब्लिश होता है जिसका नाम है द डार्क होल्ड नो टेरर, 1980 में ये पब्लिश होता है द डार्क होल्ड नो टेरर। ओके, आगे चलते हैं, एक्सप्लोर द थीम, अब इसकी थीम भी दी गई है, एक्सप्लोर द थीम ऑफ मैरिज आइडेंटिटी एंड फेमिनिज्म, और किस चीज की थीम पर बेस्ड है ये वर्क, हालांकि ज्यादातर वर्क्स का की थीम आपको सेम मिलेगी, एक तो विमेन आइडेंटिटी के बारे में ये चर्चा करती हैं, मैरिज के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में इन्होंने काफी सारी चीजें रिप्रेजेंट की हैं, सिंबलाइज की हैं। अब इनके नॉवल्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो स्टार्टिंग में इनके मेन मेन जो नॉवल्स हैं, ठीक है, इनका फर्स्ट नॉवल ध्यान रखना है, पहला नॉवल कब पब्लिश होता है, 1980 में पब्लिश होता है, नाम क्या है, द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ओके, पहला नॉवल है, इसको ध्यान में रखना है, द डार्क होल्ड्स नो टेरर। उसके बाद में नेक्स्ट नॉवल जो आता है उसका नाम है इफ आई डाई टुडे, 1982 में ये वर्क पब्लिश होता है, इफ आई डाई टुडे। नेक्स्ट है रूट्स एंड शेडो, 1983 में ये आता है, दैट लॉन्ग साइलेंस 1988 में ये आता है, द बाइंडिंग वाइन 1992 में, दीज आर द नॉवेल्स, ध्यान रखना है। अब मैटर ऑफ टाइम 1996 में आता है, अब देखो इसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट नॉवल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1980, डार्क होल्स नो टेरर। उसके बाद में जो ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट, जिस नॉवल के लिए ने साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, ठीक है, वो नॉवल भी ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें कब मिला या किस नॉवल के लिए मिला, तो द लॉन्ग साइलेंस जो नॉवल है इनका, द लॉन्ग साइलेंस जो 1988 में आता है, इसके लिए इन्हें 1990 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है, ठीक है, द लॉन्ग साइलेंस के लिए। उसके बाद में एक वर्क है इनका, एक नॉवल है जिसका नाम है अ मैटर ऑफ टाइम, इसकी खासियत क्या है, इसको क्यों क्यों याद रखना है, तो इनका ये एक पहला वर्क था, ऐसा पहला वर्क था जो यूएस में पब्लिश हुआ, कहाँ पब्लिश हुआ होता है, यूएस में पब्लिश होता है, ध्यान रखना है, पब्लिश्ड इन यूएस, कौन सा वर्क है, अ मैटर ऑफ टाइम, पब्लिश्ड इन यूएस, कब पब्लिश हुआ है, 1996 में हुआ है। ओके, उसके बाद है मूविंग ऑन 2004 में, इन द कंट्री ऑफ डिसीट 2008 में, ठीक है, तो इस तरीके से इनके वर्क्स आते हैं। इसके बाद एक एक और ध्यान रखना है नॉवल जिसका नाम है शेडो प्ले, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आप अलग से लिख सकते हैं,
इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगी आपको, इसलिए आपको नोट डाउन कर लेना है ये भी, शैडो प्ले। ठीक है, शैडो प्ले जो आता है 2013 में आता है ये वर्क जो है इनका। ठीक है, ये क्यों स्पेशल है, क्योंकि इस वर्क के लिए, इस पर्टिकुलर वर्क के लिए इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए। ठीक है, कौन से प्राइज के लिए, हिंदू लिटरेरी प्राइज 2014 में। ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया गया था, हालांकि मिला नहीं, लेकिन इस वर्क के लिए ना शॉर्टलिस्ट किया जाता है हिंदू लिटरेरी प्राइज में 2014 में। तो वर्क ध्यान रखना है, वर्क है शैडो प्ले, 2013 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके बाद में इनका एक और वर्क है स्ट्रेंजर्स ऑफ आरसेल्स, वो 2015 में आता है, स्ट्रेंजर्स एंड आरसेल्स। ठीक है, ये आता है 2015 में, ये वर्क भी ध्यान रखना है। तो ये सारे थे इनके नॉवल। अब बात करते हैं आगे इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के बारे में। ठीक है, इनका फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आता है, यार यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, जो इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया था, द लिगेसी एंड अदर स्टोरीज, ओके, ये आता है 1978 में। ओके, द लिगेसी एंड अदर स्टोरीज, इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज, ये 1997 में आया। ध्यान रखना है फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन क्या है, द लिगेसी एंड अदर स्टोरीज। फर्स्ट को ही ध्यान रखोगे उससे काफी काम चल जाएगा। एक इनका मेमोर भी ध्यान रख लेना है आपको, यहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक इनका मेमोर आया था। ठीक है, जिसका नाम था लिसन टू मी, लिसन टू मी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इनके एसे कलेक्शन के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे कौन सा है, द मार्जिन एंड अदर एसेज, इसके अलावा राइटिंग फ्रॉम द हर्ट 1995 एंड लाइफ लेसन, ये सारे इनके एसे कलेक्शन हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये एसे कलेक्शन हो गए, और एक प्ले भी आप यहीं पे लिख सकते हैं, एक प्ले। मेमोर हमने बता दिया, लिसन टू मी इनका मेमोर है, और एक प्ले जो है उसका नाम है दृष्टि। ठीक है, इस पे मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, स्क्रीन प्ले कब हुआ था, मतलब मूवी कब बनी है, 1990 में इस पे मूवी बनी है दृष्टि पर। ठीक है, ये प्ले है दृष्टि। ओके, ये भी ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, इनकी कुछ चिल्ड्रंस बुक है, चार चिल्ड्रंस बुक लिखी इन्होंने, इन चारों को ध्यान रखना है। ठीक है, आ समर एडवेंचर, द हिडन ट्रेजर, द ओनली विटनेस एंड द नारायणपुर इंसिडेंट, दीज आर दी फोर चिल्ड्रन बुक। ठीक है, चिल्ड्रन बुक स्पेशली ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। द समर एडवेंचर है, समर का एडवेंचर है, हिडन ट्रेजर है, समर में हम एडवेंचर करने गए हैं, वहां पे हमें एक छुपा हुआ खजाना मिल गया है। ठीक है, हिडन ट्रेजर मिल गया है, लेकिन हिडन ट्रेजर सपोज करो दो फ्रेंड थे जो घूमने के लिए गए हैं, समर एडवेंचर करने गए हैं, और उनमें से एक फ्रेंड को वो हिडन ट्रेजर मिला है, और वही उसका ओनली विटनेस है, उसे ही पता है कि वो जो हिडन ट्रेजर है वो कहाँ पर छिपा हुआ है, छिपा हुआ खजाना एग्जैक्टली कहाँ पर है, उसका ओनली विटनेस है, वन एंड ओनली, वही एक फ्रेंड। ठीक है, लेकिन ये इंसिडेंट कहाँ का है, कहाँ गए वो समर एडवेंचर के लिए, ये नारायणपुर में गए हैं। ठीक है, तो नारायणपुर का इंसिडेंट है, वो समर एडवेंचर के लिए जाते हैं, समर एडवेंचर में उनमें से एक फ्रेंड को ही हिडन ट्रेजर का पता है, हिडन ट्रेजर उसे मिलता है, और एड्रेस ओनली वन विटनेस है उसका। ठीक है, इस तरीके से आप स्टोरी बना के इन चारों को आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं, अब देखते हैं थीम एंड स्टाइल, मतलब इन्होंने अपने ज्यादातर जो वर्क्स हैं उनमें कौन सी थीम को फॉलो किया है, किस स्टाइल को अपनाया है शशि देश पांडे जी ने। तो फेमिनिज्म एंड वुमेन राइट्स, ज्यादातर इनके मोस्ट ऑफ द वर्क में आप यही थीम देखोगे, मैरिज की या फिर जो फीमेल कैरेक्टर है। ध्यान रखना, इनके ज्यादातर जो नॉवेल्स है ना उनमें मेन प्रोटैगोनिस्ट इज एक फीमेल कैरेक्टर है, ये भी इनकी खासियत है। ठीक है, फेमिनिज्म एंड वुमेन्स राइट्स के बारे में ये लिखती हैं, मैरिज एंड फैमिली के बारे में। ठीक है, महिलाओं के क्या अधिकार परिवार में होने चाहिए, मैरिज के बाद उन्हें क्या अधिकार मिलने चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में ये लिखती हैं। आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, कि महिलाएं, जैसे इनका कोट ही हमने देखा कि विदाउट मैन वेमेन आर डिफरेंट टीचर्स, तो इन्होंने कहा है कि महिलाओं को अपनी पहचान बनानी है, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के बारे में सोचना है। ठीक है, आगे सोशल जस्टिस एंड मोरलिटी के बारे में इनकी थीम है, एंड ह्यूमन रिलेशनशिप एंड इमोशंस। ठीक है, तो ये सारी थीम हैं, स्टाइल्स हैं जिन पर इन्होंने वर्क किया है, इनके जो इतने सारे वर्क्स हैं वो इन इन चीजों पर बेस्ड है।
आगे ये किस चीज के लिए जानी जाती हैं? रियलिस्टिक एनवांस्ड पोर्ट्रेल्स ऑफ इंडियन मिडिल क्लास लाइफ। ज्यादातर ये किस चीज के बारे में जानी जाते हैं? क्योंकि ये अपने वर्क्स में रियल पिक्चर पोर्ट्रे करती हैं, ठीक है, रियलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। उसमें कोई भी सुपरफ्लुअस चीजें नहीं है, बिल्कुल जो चीज रियल है उसको रिप्रेजेंट किया गया है ओरिजिनल वे में, ओके। और जो नए तरीके से इसे पोर्ट्रेल करती हैं, स्पेशली मिडिल क्लास की जो लाइफ है उसको इन्होंने अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट किया है, तो ये इस चीज के लिए जानी जाती हैं। आगे अगर हम बात करें, इंसाइटफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ वेमेन्स एक्सपीरियंसेस, और बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही विचारणीय तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है वेमेन्स के एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, महिलाओं के अनुभवों को। और ज्यादातर स्टाइल कैसा रहा है इनका? सिंपल रहा है, डायरेक्ट प्रोज स्टाइल में ये लिखती हैं, ठीक है, स्पेशली इस चीज के लिए इन्हें जाना जाता है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अब इनके अवार्ड और रिकग्निशन के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, अवार्ड भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं वो तो दो ध्यान रखने हैं, जैसे कि एक तो हमने पहले चर्चा की साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में मिला, कौन से वर्क के लिए मिला है? दैट लॉन्ग साइलेंस, ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस। और ये कब पब्लिश हुआ? 1988 में ये पब्लिश होता है। क्या फॉर्म है इसकी? इज इट एसे, एन एसे, इज इट अ नॉवल, या फिर या शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, क्या है ये? तो ये है एक नॉवल, ठीक है, जॉनर भी ध्यान रखना है। दैट लॉन्ग साइलेंस, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। देन पद्मश्री इन्हें 2009 में मिला फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन्हें पद्मश्री इसे नवाजा गया 2009 में। देन नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिक्शन 1993, द बाइंडिंग वाइन, इनका एक वर्क है द बाइंडिंग वाइन, ये दिस इज ऑल्सो अ नॉवल, ठीक है, बाइंडिंग वाइन, जो दो इसके लिए इन्हें 1993 में ये अवार्ड मिला है। आगे चलते हैं, शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज 1993, द बाइंडिंग वाइन, बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट की गई 1993 में। लेकिन मुझे इस वाले कोड में डाउट है, इसको आप नोट मत कीजिएगा, ठीक है, बाकी सारे अवार्ड इनके हैं। आगे चलते हैं, देखिए और कौन कौन से अवार्ड हैं। थिरुमाथी रंगम्मल प्राइस, ठीक है, क्योंकि ये कर्नाटका से बिलोंग करती थी तो उस तरीके की कन्नड़ लैंग्वेज में भी इनको अवार्ड मिले हैं, ठीक है। थिरुमती रंगमल प्राइज इन 1984 फॉर रूट्स एंड सैडो, ठीक है, रूट्स एंड सैडो इनका एक नॉवल है, ठीक, जो पब्लिश हुआ था 1983 में, उसके लिए इन्हें 1984 में ये अवार्ड मिलता है। देन नानजांगुड थिरुमलम्बा अवार्ड, ठीक है, फॉर द डार्क होल्स नॉट एरर 1989 में ये अवार्ड इन्हें मिलता है, ठीक है। आगे हर नॉवल शैडो, शैडो प्ले, ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, 2013 में ये पब्लिश होता है शैडो प्ले, जो इनका नॉवल है, और इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द हिंदू लिटरेरी प्राइज 2014 में, ठीक है, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए 2014 में। तो ये भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको नोट करके रखना है। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड जो इन्हें मिला 1990 में, इसको ये रिटर्न कर देती हैं। SAA का मतलब है यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, इन्हें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है 1990 में, किसके लिए मिला? सबसे पहले उसे रिवाइज करो, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला, ठीक है। अब इसको ये रिटर्न कर देती हैं, कब रिटर्न करती हैं? 9 अक्टूबर 2015 में, ठीक है। She returned Sahitya Academy Award and also resigned from her position in Sahitya Academy's General Council. ठीक है, ये इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया था तो वहां से रिजाइन भी कर देती हैं साहित्य अकेडमी जनरल काउंसिल से, और अपना जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है उसको रिटर्न कर देती हैं। क्यों करती हैं ये ऐसा? क्योंकि एक प्रोटेस्ट चल रहा होता है उस समय पर, उस प्रोटेस्ट में ये पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। किस लिए चल रहा है प्रोटेस्ट? क्योंकि जो एकेडमी के परसीव्ड होते हैं, ठीक है, उनका मर्डर हो जाता है, जिनका नाम है M.M. कलबुर्गी, ठीक है, और उनके मर्डर पे भी सरकार जो है वो साइलेंट रहती है, वो कुछ एक्शन नहीं लेती है, उस चीज को लेकर वो प्रोटेस्ट चल रहा होता है, उस प्रोटेस्ट में ये पार्टिसिपेट करती हैं अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड रिटर्न करके, ठीक है। 2015 की ये बात होती है, उन राइटर का नाम आप ध्यान रख सकते हो, M.M. कलबुर्गी, ठीक है, इनका मर्डर हो जाता है
और इनके मर्डर पे जब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती तो उस चीज़ के विरोध में ये प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है अपना अवार्ड रिटर्न करके। ओके, ये चीज़ आपके ध्यान रखनी है शशि देश पांडे जी की। और इससे आगे और क्या आगे देखते हैं, देखिए इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी, मतलब इन पर किस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा पड़ा। इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन राइटर्स लाइक आर के नारायण एंड कमला मारकंडे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो फेवरेट राइटर थी, मतलब एक तरीके से ये फैन है उनकी, ठीक, तो कौन है इनकी जो फेवरेट ऑथर रही है, वो है जेन ऑस्टिन। ठीक है, शी वॉज ऑल्सो फेमिनिस्ट, है ना, तो उनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थी। इनकी फेवरेट राइटर हैं, ध्यान रखना, शशि देश पांडे की जेन ऑस्टिन इज वन ऑफ हर फेवरेट ऑथर। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे और किस चीज से इन्फ्लुएंस हुई है ये, जैसे कि आर के नारायण जो इंडियन ऑथर हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी, और कमला मारकंडे से। ठीक है, इंस्पायर्ड अ जनरेशन ऑफ इंडियन वेमेन्स राइटर्स, और इन्होंने इंस्पायर किया एक जनरेशन को इंडियन वुमेन्स राइटर की। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाने में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। आगे चलते हैं, सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन राइटर्स एसोसिएशन, जो हमें अभी बात कर रहे थे इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो वो चीज थी। ठीक है, ये एज अ प्रेसिडेंट रही है किसकी, इंडियन राइटर्स एसोसिएशन की, 1998 से 2000 तक। ओके, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में, लिव्स इन बेंगलुरु इंडिया, एट प्रेजेंट ये कहाँ रहती हैं, तो बेंगलुरु में रहती हैं इंडिया में। कंटिन्यूज राइटिंग एंड पब्लिशिंग, इन्वॉल्व इन लिटरेरी फेस्टिवल्स एंड वर्कशॉप्स, और ज्यादातर इन चीजों में इन्वॉल्व ये रहती हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स में और वर्कशॉप्स में। ओके, तो ये सारी चीजें इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। इनकी बायोग्राफी आपने डिटेल से पढ़ी, आई होप आपको समझ आई। एंड इसके अलावा और क्या खास हो सकता है इनके बारे में, इन्होंने जो थीम यूज की है ना, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थीम है, वो उसको भी ध्यान रखना है। कई जगह पर हो सकता है थीम ना डिफरेंट डिफरेंट वे में पूछ ली जाती है, तो वो भी ध्यान रखना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर भी इन्होंने वर्क किया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका आज का होमवर्क का एक क्वेश्चन है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लाया था सबसे पहले। ठीक है, चलिए अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज करती हैं ये हो गया। अब हम इनके MCQs के बारे में बात करेंगे, जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी उनको साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे। और अब आगे देखते हैं MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs। देखिए स्टार्टिंग बेसिक क्वेश्चन से, वेयर वॉज शशि देश पांडे बॉर्न, तो इनका जन्म कहाँ होता है, यस धारवाड़, और ये कहां पर पड़ती है जगह, कर्नाटका। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शशि देश पांडेज हस्बैंड नेम, इनके हस्बैंड का नाम क्या होता है। ठीक है, इनके हस्बैंड का नेम है, सॉरी टू से बट ऑप्शंस में उनका नाम गिवन नहीं है। ठीक है, इनका नाम सुधांकर ना होके इनका नाम है धीरेंद्र एच देश पांडे। ठीक है, डॉक्टर धीरेंद्र ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आप अलग से नोट कर दीजिए, धीरेंद्र एस देश पांडे, धीरेंद्र एस देश पांडे इज द राइट आंसर। और ही वॉज अ डॉक्टर, 1962 में शादी होती है इनकी। आगे चलते हैं, What is the title of शशि देश पांडेज फर्स्ट नॉवल, शशि देश पांडे जी का फर्स्ट नॉवल कौन सा था और कब पब्लिश हुआ ये भी बताइए। Dark holds not error, if I die today, roots and shadow, या फिर that long silence। चलो सबके ही हम पब्लिकेशन ईयर भी देखते हैं साथ के साथ, है ना। Dark holds not error, ये कब पब्लिश हुआ, 1980 में ये पब्लिश होता है। ओके, इफ आई डाई टूडे, ये कब पब्लिश होता है, 1982 में पब्लिश होता है। ओके, नेक्स्ट है रूट्स एंड शैडो, रूट्स एंड शैडो का पब्लिश हुआ था 1983 में। ओके, बिल्कुल क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं ये। दैट लॉन्ग साइलेंस, जिसके लिए ने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला, ये कई जगह पर तो ये 1988 है, कई जगह पर 1989 भी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप 1989 भी लिख सकते हो, अगर दोनों आ रहे हैं तो आपको चूज करना है 1989। ठीक है, 1989 इज द करेक्ट आंसर।
ध्यान रखना है, लॉन्ग साइलेंस, क्योंकि 1990 में इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, आप ईयर वाइज भी देख कर समझ ही गए होंगे, इनका जो वेरी फर्स्ट नॉवल पब्लिश होता है वो है द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ देशपांडे'स नॉवल वॉन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड। अभी हम चर्चा करके आए थे कौन सा इनका ऐसा नॉवल है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, कब मिला ये भी ध्यान रखना है, 1990 में मिला। ओके, साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? यस, देखिए संविधान की 22 भाषा तो है ही, प्लस टू और है। दो कौन सी भाषाएं, एक तो राजस्थानी और एक इंग्लिश। तो टोटल अगर पूछ लिया जाए साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है 24 लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब इन्हें कब मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, 1990 में मिला। ओके, अब कौन से वर्क के लिए मिला, तो ये हम देख ही चुके हैं, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए मिला जो पब्लिश होता है 1989 में। ओके, बाकी अगर हम नॉवेल्स की बात करें, द बाइंडिंग वाइन ये कब पब्लिश हुआ, 2002 में। ओके, अ मैटर ऑफ टाइम कब पब्लिश होता है, 1996 में। और इसकी क्या स्पेशलिटी है मैटर ऑफ टाइम की, इसकी स्पेशलिटी है कि ये पहला शशि देशपांडे जी का पहला ऐसा वर्क है जो यूएस में पब्लिश हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मूविंग ऑन, ये कब पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश होता है 2004 में। ओके, तो सबके पब्लिकेशन ईयर हो गए और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है दैट लॉन्ग साइलेंस। आगे चलते हैं। वट इज अ डोमिनेंट थीम इन देशपांडे's वर्क, हम देखेंगे शशि देशपांडे जी के वर्क्स में कौन सी थीम डोमिनेट करती है। ठीक है, किस थीम पर ज्यादातर इन्होंने काम किया है, फेमिनिज्म एंड वुमेन्स राइट्स, सोशल जस्टिस एंड मोरलिटी, लव एंड रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। ध्यान रखना, देखो सारे ही आपको सही लगेंगे क्योंकि हमने इनकी थीम के बारे में पढ़ा, तो आपको सारे ही सही लगेंगे, पॉलिटिक्स हिस्ट्री को छोड़कर बाकी तीन तो बिल्कुल ही परफेक्ट है, लेकिन डोमिनेट किसने करा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस फेमिनिज्म एंड वुमेन्स राइट्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देशपांडे'स राइटिंग स्टाइल, शशि देशपांडे के राइटिंग स्टाइल की मेन विशेषता क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्नेट है वो राइटिंग स्टाइल जो है, सिंपल एंड डायरेक्ट है, पोएटिक एंड सिंबोलिक है, ह्यूमरस एंड सेट्रिकल है। तो हमने देखा रियल पिक्चर रिप्रेजेंट करती है, कोई भी उसमें मिलावट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनलिटी है ना, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज किया इन्होंने अपने वर्क्स में। ओके, राइट आंसर है सिंपल एंड डायरेक्ट। आगे चलते हैं। विच अवार्ड डिड देशपांडे रिसीव इन 2009 में, कौन सा अवार्ड इन्हें मिला था? यस, हमने चर्चा की है इसके बारे में, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला इन्हें, 1990 में मिला। ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिक्शन ये 1993 में मिला था, और किसके लिए मिला था, द बाइंडिंग वाइन के लिए मिला था, बुकर प्राइज नहीं मिला है इन्हें। आगे पद्मश्री 2009 में। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फॉर विच नॉवल वाज देशपांडे शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज, कौन से नॉवल के लिए ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हो आप, शॉर्टलिस्ट किया गया था, इन्हें मिला नहीं था बाइंडिंग वाइन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ देशपांडे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, बताइए पहला इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन सा आता है, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का टाइटल पूछा गया है। हालांकि इसमें ना दो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ये दोनों तो नॉवल है, रूट्स एंड शैडो क्या है, नॉवल है, और ये भी नॉवल है। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस, क्योंकि दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, और ये कब पब्लिश होता है ये भी ध्यान रखना है, 1989 में ये पब्लिश होता है, 1990 में इन्हें अवार्ड मिलता है। रूट्स एंड शैडो कब पब्लिश हुआ था, ये 1983 में पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि इनका जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो भी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ठीक है फर्स्ट, तो ये है द लीगेसी, द लीगेसी एंड अदर स्टोरीज। ओके, इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, और ये कब पब्लिश होता है, ये 1978 में पब्लिश होता है। ओके, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच नॉवल एक्सप्लोर द थीम ऑफ मैरिज एंड आइडेंटिटी? इनमें से कौन सा नॉवल है जो जिसकी थीम है मैरिज एंड आइडेंटिटी? ऑप्शन द डार्क होल्ड्स नो टेरर, इफ आई डाई टुडे, रूट्स एंड शैडो, दैट लॉन्ग साइलेंस. तो राइट आंसर हो जाएगा द डार्क होल्ड्स नो टेरर. इसकी मेन थीम है ये. ओके, मैरिज एंड आइडेंटिटी. और ये कब पब्लिश होता है? 1980 में ये पब्लिश होता है. आगे चलते हैं, क्योंकि ये इनका फर्स्ट नॉवल है, शशि देश पांडे जी का फर्स्ट नॉवल. विच लिटरेरी स्टाइल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देश पांडेज राइटिंग? कौन सा लिटरेरी स्टाइल जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा शशि देश पांडे की राइटिंग का? देखिए, स्टाइल पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे. वहां पे जब हमने राइटिंग स्टाइल के बारे में पढ़ा तो वहां पर ऑप्शंस अलग थे. अब हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस राइट आंसर करेंगे. मैजिकल रियलिज्म है, रियलिज्म है, सरलिज्म है, या पोस्ट मॉडर्निज्म है? तो राइट आंसर है रियलिज्म. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज हाउ वुड यू डिस्क्राइब देशपांडे's नैरेटिव स्ट्रक्चर? इनके नैरेटिव स्ट्रक्चर को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? इनका नैरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, या एपिस्टॉलरी है? तो ध्यान रखना, क्योंकि ये जेन ऑस्टिन की फैन थी एक तरीके से, वो उनकी फेवरेट राइटर रही हैं. और इसमें दो ऑप्शन करेक्ट है, एक तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन भी रही है इनके वर्क्स की, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को भी ये फॉलो करती है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट है व्हाट इज अ रिकरिंग थीम इन देशपांडे's वर्क? कौन सी रिकरिंग थीम का मतलब है कि बार बार हर, मतलब ज्यादातर वर्क्स में उन्होंने उस थीम का इस्तेमाल किया, उस थीम पर वर्क किया है. ठीक है, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, सोशल जस्टिस एंड मोरालिटी, लव एंड रिलेशनशिप, वेमेन एम्पावरमेंट. तो आप इजिली आंसर कर सकते हो, ज्यादातर ये वेमेन एम्पावरमेंट के पक्ष में रही हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड देशपांडे एक्सप्लोर द थीम ऑफ फेमिनिज्म? किस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक्सप्लोर की है थीम को, फेमिनिज्म की थीम को? ओके, ऑप्शन देखते हैं. थ्रू फीमेल प्रोटेगोनिस्ट, थ्रू सोशल क्रिटिक, थ्रू पर्सनल रिलेशनशिप, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो आप ज्यादातर इनके नॉवेल्स देखोगे, उसमें ना मेन प्रोटेगोनिस्ट जो है वो एक फीमेल है, ये ट्रू है. थ्रू सोशल क्रिटिक, सोशल क्रिटिक भी रहा है उसमें, मतलब जो सोसाइटी है उसके जो रिचुअल्स है, उनके जो नॉर्म्स चले आ रहे हैं, उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है. ठीक है, ये भी सही है. थ्रू पर्सनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया है कि किस तरीके से क्या आप स्ट्रगल्स करती है फीमेल्स. ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. मूविंग टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बाइंडिंग वाइन? जो बाइंडिंग वाइन इनका नॉवल आता है, ठीक है, उसकी सेंट्रल थीम क्या है? मदर डॉटर रिलेशनशिप, वेमेन्स राइट्स, सोशल जस्टिस, पर्सनल आइडेंटिटी. यस, राइट आंसर है यहां पर मदर डॉटर रिलेशनशिप. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. विच स्टोरी एक्सप्लोर द थीम ऑफ लॉनलीनेस? इनमें से कौन सी स्टोरी है जो किस थीम पर वर्क कर रही है? थीम ऑफ लॉनलीनेस पर. तो द लिगेसी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, द इंट्रूजन, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, समर हॉलीडे या ओल्ड मैन, ये सारे शॉर्ट स्टोरी के पार्ट है. तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टोरी है जो एक्सप्लोर करती है थीम ऑफ लॉनलीनेस को. यस, राइट आंसर है यहां पर द लेगेसी. ठीक है, जो इनका पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसमें ही एक शॉर्ट स्टोरी का नाम है द लेगेसी. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज Which award did Deshpande receive in 1990? तो 1990 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिलता है? साहित्य अकेडमी, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट फिक्शन. तो इन्हें क्या मिलता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है. ठीक है, अच्छा, इन्होंने रिटर्न कब कर दिया था ये अवार्ड? हमने चर्चा की थी इस बारे में, कब रिटर्न कर देती हैं ये? यस, 2015 में. ध्यान रखना है, 9 अक्टूबर 2015 में ये साहित्य अकेडमी अवार्ड को रिटर्न कर देती हैं. कौन से वर्क के लिए इन्हें मिलता है? तो इनका जो जो नॉवल है, कौन सा? दैट लॉन्ग साइलेंस, उसके लिए ये अवार्ड मिला था 1990 में. 1989 में वो वर्क आया था और उसके लिए ये अवार्ड मिला. आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटरेरी ऑर्गेनिज्म देशपांडे प्रोसीडेड ओवर? बताइए,
उस लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जहां पर मतलब ये रही देशपांडे, एज अ प्रेसिडेंट वर्क किया इन्होंने वहां पे, इंडियन राइटर्स एसोसिएशन, साहित्य अकेडमी, नेशनल लिटरेरी अकेडमी या फिर राइटर्स फोरम। तो एज अ प्रेसिडेंट, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने वर्क किया है इंडियन राइटर्स एसोसिएशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंडियन राइटर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट इज हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ये जो नॉवल है, जो इनका फर्स्ट नॉवल है, इसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, मतलब मेन लीड कैरेक्टर कौन है इस पर्टिकुलर नॉवल में? तो राइट आंसर है यहाँ पर सरिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें ना कैरेक्टर्स के नाम भी आएंगे, इनके वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको एज इट इज ऐसे ही लर्न कर लेना है। अगर आपका मन है तो आप इनके वर्क्स की समरी भी देख सकते हो, ठीक है। तो समरी से आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से इन्होंने फेमिनिज्म की थीम को इस्तेमाल किया है या क्या कैसे वर्क किया है। वॉट इज सरिताज कैरेक्टर ट्रेट इन द डार्क होल्ड्स नो टेरर। सरिता का जो कैरेक्टर ट्रेट है वो किस तरीके का है या क्या है कैरेक्टर ट्रेट द डार्क होल नो टेरर में? कैसा है, सबमिसिव है, मतलब जो सरिता है उसका चरित्र कैसा दिखाया गया है, वो किस नेचर की है, कैसी है वो, सबमिसिव है, इंडिपेंडेंट है, ट्रेडिशनल है, रेबेलियस है, किस तरीके की नारी है वो? यस, शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दैट लॉन्ग साइलेंस। दैट लॉन्ग साइलेंस इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, 1989 में पब्लिश हुआ है। इसकी क्या मेन थीम है? मैरिज एंड आइडेंटिटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, पर्सनल फ्रीडम। तो देखिए सारी आपको लगने वाली है, जब तक आप समरी नहीं पढ़ोगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा थीम, और ज़्यादातर थीम पूछी भी कम ही जाती हैं इसमें। हालांकि मैंने हर एक वर्क की इंक्लूड कर दी है, लेकिन कम ही पूछी जाती है थीम। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे राइटर का जो माइंड सेट है वो क्या है, ठीक है, वो किस वे में लिख रहा है, तो उसी से आप अंदाजा लगा के थीम पर वर्क कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मैरिज एंड आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेम थीम उसकी थी, ठीक है, द डार्क होल्ड्स नो टेरर की भी यही थीम थी, तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइंडिंग वाइन इन देशपांडे'स नॉवल। देखिए इनका एक नॉवल आया द बाइंडिंग वाइन, ठीक है, द बाइंडिंग वाइन में ये जो इन्होंने जो टाइटल दिया है बाइंडिंग वाइन, तो इसका क्या महत्व है या इसका क्या अर्थ निकलता है देशपांडे के अकॉर्डिंग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन, सिंबल ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, मेटाफर फॉर सोशल एक्सपेक्टेशंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा, जो ये बाइंडिंग वाइन है इसका अर्थ क्या है? क्या ये रिप्रेजेंट करता है वेमेंस की ऑपरेशन, मतलब महिलाओं को जो दबाया कुचला जा रहा है या फिर उनके साथ शोषण किया जा रहा है उस चीज को? सिंबल ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, क्या ये लव और रिलेशनशिप के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है? या फिर मेटाफर फॉर सोशल एक्सपेक्टेशन, ये समाज की जो स्त्रियों से एक्सपेक्टेशंस हैं उसके लिए एक मेटाफर की तरह यूज हुआ है, या फिर सारे ही हैं? तो बाइंडिंग वाइन जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेमेन ऑपरेशन, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस देशपांडे'स राइटिंग। कौन सा वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जो प्रभावित करता है शशि देशपांडे'स की राइटिंग को? इंडियन इंडिपेंडेंस, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सारे ही हिस्टोरिकल जो मूवमेंट हैं वो उनसे ये प्रभावित हुई, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्फ्लुएंस्ड देशपांडे'स राइटिंग स्टाइल। इनके राइटिंग स्टाइल को कौन इन्फ्लुएंस करता है या किससे प्रभावित है? आर के नारायण से, कमला मार्कंडे, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी। तो राइट आंसर है आर के नारायण, हालांकि कमला मार्कंडे जी का भी नाम लिया जाता है, तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज देशपांडे'स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश
लिटरेचर में शशि देशपांडे जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? एक्सप्लोरेशन वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, सोशल कमेंट्री, इनोवेटिव नरेटिव स्ट्रक्चर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, व्हाट इज सरिताज प्रोफेशन इन नॉवल? देखिए नॉवल, कौन से नॉवल की बात हो रही है? मेन प्रोटैगनिस्ट हमने बात की थी ना, तो किसकी है ये मेन कैरेक्टर? ध्यान रखना है, सरिता नाम की जो मेन कैरेक्टर है वो किसमें है? द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ठीक है। इनका पहला ही नॉवल है ये, जो 1980 में आता है। इसकी ये मेन लीड कैरेक्टर है सरिता। अब इनका प्रोफेशन क्या है इस वर्क में? तो इनका प्रोफेशन होता है, जैसे कि हमने देखा कि शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, और प्रोफेशन होता है डॉक्टर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल दैट लॉन्ग साइलेंस? जो नॉवल है इनका दैट लॉन्ग साइलेंस, इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है ना, इसके लिए तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1990 में। तो इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, मेन लीड कैरेक्टर कौन है? तो वो है ज्योति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख, ध्यान रखना, सरिता इनके पहले नॉवल की मेन लीड कैरेक्टर थी द डार्क होल्ड्स नो टेरर की। अब यहां पर नाम है ज्योति, ज्योति लीड कैरेक्टर है। ओके, इसकी दैट लॉन्ग साइलेंस की। आगे चलते हैं, व्हाट इज ज्योति'स स्ट्रगल इन द नॉवल? ज्योति का क्या स्ट्रगल है नॉवल में? बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली, मतलब उनका स्ट्रगल इसमें चल रहा है कि वो अपनी वर्किंग लाइफ और जो पर्सनल लाइफ है उसको कैसे मेंटेन करें, कैसे बैलेंस करें दोनों चीजों को। डीलिंग विद इनफेरिलिटी, या फिर फाइंडिंग पर्सनल आइडेंटिटी, ओवरकमिंग सोशल एक्सपेक्टेशंस, क्या स्ट्रगल है उनकी लाइफ में? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है फाइंडिंग पर्सनल आइडेंटिटी। ओके, ये स्ट्रगल है कि वो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती है। आगे चलते हैं, Who is the protagonist of the novel The Binding Vine? ये भी important work है, The Binding Vine, जिसके हमने title का भी significance देखा। अभी इसके main character, main protagonist कौन है? तो main character ध्यान रखना है Urmi. She is the lead character in the work The Binding Vine. ठीक है, common से name है, याद करने में दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना Urmi. आगे चलते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अ मैटर टाइम? अब देखिए, अ मैटर ऑफ टाइम, ये वर्क कौन सा था इनका? ऐसा पहला वर्क जो पब्लिश हुआ यूएस में। कब पब्लिश होता है ये भी ध्यान रखना है, 1996 में ही पब्लिश होता है। ठीक है, अब इसकी सेंट्रल थीम क्या रही जो यूएस में ये पब्लिश हुआ है अ मैटर ऑफ टाइम? इसकी मेन थीम क्या है? फैमिली डायनेमिक्स, वुमेन्स एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, पर्सनल फ्रीडम। राइट आंसर इज फैमिली डायनेमिक्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फैमिली डायनेमिक्स। आगे चलते हैं, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल अ मैटर ऑफ टाइम? अ मैटर ऑफ टाइम जो वर्क है इसके मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, मेन लीड कैरेक्टर कौन है इसमें? तो उनका नाम है सुमी। ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम में जो लीड कैरेक्टर है इनका नाम क्या है? सुमी। और इसमें क्या होता है, इनकी तीन बेटियां रहती हैं, है ना, हु हैज थ्री डॉटर्स, ये ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट, जब आप इनकी थीम पढ़ोगे तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये एक ऐसी वुमन की कहानी है जो एक, मतलब उसके हस्बैंड के द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है, और उनकी तीन बेटियां होती हैं। ठीक है, और वो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हैं। मेन कैरेक्टर है इसमें सुमी। आगे चलते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ रूट्स एंड शैडो? रूट्स एंड शैडो जो इनका नॉवल है उसकी मेन थीम क्या है? कब पब्लिश होता है ये रूट्स एंड शैडो? ध्यान रखना है 1983 में होता है। ऑप्शंस हैं आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, वेमेन्स एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, पर्सनल फ्रीडम। तो इनका ये जो वर्क है रूट्स एंड शैडो, इसकी मेन थीम है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज Who is the protagonist of the novel Roots and Shadow? तो इनके देखे सारे characters, हर एक novel के main जो lead character हैं उनके नाम आपको ध्यान रहेंगे। Roots and Shadow, इनके जो main protagonist रही हैं, lead character रही हैं, वो कौन है? इंदु है, कमला है, लीला है, माया है। तो इनकी main lead character हैं इंदु। ठीक है,
जैसे सरिता इनके फर्स्ट नोबल की थी, है ना, ज्योति 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 किसकी थी, दैट लॉन्ग साइलेंस की, जिसके जिसके मतलब जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, ठीक है। सुमी सुमी कौन से वर्क की में लीड कैरेक्टर थी, सोचिए। यस, सुमी किसकी थी, अ मैटर ऑफ टाइम की, ओके। अभी इंदु, इंदु कौन से वर्क की है, रूट्स एंड शैडो। आगे चलते हैं, व्हाट इज इंदूज स्ट्रगल इन द नॉवल। अब इनका स्ट्रगल क्या रहता है इस नॉवल में, ऑप्शन है बैलेंसिंग ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, डीलिंग विद फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फाइंडिंग पर्सनल आइडेंटिटी, या ओवरकम सोशल नॉर्म्स। यस, यहां पर राइट आंसर है फाइंडिंग पर्सनल आइडेंटिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इफ आई डाई टूडे। इनका सेकेंड मोस्ट नॉबल है, जैसे कि फर्स्ट जो पब्लिश हुआ द डार्क होल्ड्स नो टेरर वो 1980 में, और ये 1982 में पब्लिश होता है इफ आई डाई टूडे। तो इसकी मेन थीम क्या है, इफ आई डाई टूडे। यस, मोर्टैलिटी एंड लेगेसी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे, हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवल। अब यहाँ पे कौन से नॉवल की बात हो रही है, तो ध्यान रखना ये बात हो रही है इफ आई डाई टूडे की, इफ आई डाई टूडे इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें लीड कैरेक्टर कौन होता है, सुनंदा कमला लीला माया, तो इसमें लीड कैरेक्टर है सुनंदा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, वॉट इज सुनंदाज रिफ्लेक्शन इन द नॉवल, बताइए। ऑप्शन है ऑन हर लाइफ चॉइसेस, ऑन हर रिलेशनशिप, ऑन हर मोर्टैलिटी, ऑन हर करियर। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑन हर मोर्टैलिटी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इन हर ऑन हर मोर्टैलिटी। आगे चलते हैं, हु इज दी प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द लेगेसी। हमने देखा था इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द लेगेसी एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। अब इसका जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है वो कौन है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टोरीज हैं, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। वेरियस वेमेन कैरेक्टर्स जो हैं इनमें लीडिंग एज अ लीड कैरेक्टर वर्क करती हैं, ठीक है। अलग अलग स्टोरीज में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। आगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द लेगेसी, ये जो टाइटल है इसका क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ है। द लिगेसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, सिंबल ऑफ वेमेंस इनहेरिटेंस, मेटाफर फॉर सोशल एक्सपेक्टेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑल ऑफ द अबव है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मूविंग ऑन। इनका एक नॉवल है जिसका नाम है मूविंग ऑन, इसकी मेन थीम क्या है, पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वेमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, फैमिली डायनेमिक्स। मूविंग ऑन, तो इसकी जो मेन थीम है वो है पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवल। अब देखो यहां पे नॉवल किसकी बात हो रही है, मूविंग ऑन की। अब मूविंग ऑन में मेन प्रोटेगनिस्ट कौन है, अच्छा ये बताइए मूविंग ऑन पब्लिश कब हुआ, 2004 में। मेन प्रोटेगोनिस्ट कौन है, असबारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, असबारी। आगे चलते हैं, व्हाट इज असबरीज जर्नी इन द नॉवल। असबरी जो लीडिंग कैरेक्टर है इनकी जर्नी क्या रही है नॉवल में, सेल्फ डिस्कवरी एंड एन एम्पावरमेंट, डीलिंग विद द फैमिली एक्सपेक्टेशन, फाइंडिंग पर्सनल आइडेंटिटी, ओवरकमिंग सोशल नॉर्म्स। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सेल्फ डिस्कवरी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेल्फ डिस्कवरी एंड एम्पावरमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज। इंट्रूजन और अदर स्टोरीज, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है इनका, इसकी मेन थीम क्या है, वुमेन्स एक्सपीरियंसेस, सोशल जस्टिस, पर्सनल फ्रीडम, फैमिली डायनेमिक्स। यस, वुमेन एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज,
What is the prote sorry who is the protagonist of the title story the intrusion इनमें देखो ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज. अब इसमें एक स्टोरी है जिसका नाम है इंट्रूजन. अब उसका लीडिंग कैरेक्टर कौन है? रोहिणी है, कमला है, लीला है, माया. तो इससे आप देखो ऑप्शन से तो आप समझ चुके होंगे लास्ट वाले जो तीन ऑप्शन है वो किसी भी उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है. यहाँ पर भी जो राइट आंसर है वो है रोहिणी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. What is Rohini's struggle in the story? अब इनका क्या struggle दिखाया गया है इस story में? Dealing with a intrusive neighbor, finding personal identity, overcoming social norms, या फिर balancing work and family. तो यहां पर जो right answer होगा वो क्या होगा? Dealing with the intrusive neighbor, ठीक है? Neighbor. Option number A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इन द कंट्री ऑफ डिसीट. इनका एक नॉवल है इन द कंट्री ऑफ डिसीट और ये आता है 2008 में. इसकी थीम क्या है? करप्शन एंड मोरालिटी, वेमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, पर्सनल फ्रीडम. तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो थीम है वो है करप्शन एंड मोरालिटी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज Who is the protagonist of the novel? अब इस novel का protagonist कौन है? Novel का नाम क्या है? Corruption and novel का नाम क्या है? In the country of deceit. This is the novel. In the country of deceit. हाँ, in the country of deceit. 2008 में आया था. अब इसमें main protagonist कौन है? तो आप इसी से समझ जाओगे. Right answer है गौरी. ठीक है? Moving to the next. What is Gauri's struggle in the novel? अब गौरी का क्या struggle रहा है इस novel में? Exposing corruption, dealing with family expectation, finding personal identity, overcoming social norms. Yes, right answer is exposing corruption. Corruption. Option number A is the correct answer. Moving to the next. What is the central theme of writing from the heart? अब देखिए writing from the heart क्या है? It is a essay collection. ठीक है. अब इसकी main theme क्या है? Creative writing है. देखिए नाम से ही समझ जाओगे आप. Writing from heart. Creative writing, women empowerment, social justice, personal freedom. तो इसकी theme अलग है. ये ध्यान रखना. ये है creative writing से related. आगे चलते हैं. और ये आज का हमारा last question. What is Deshpande's advice to writers in the collection? मतलब ये जो इनका कलेक्शन आया एसे का कलेक्शन जिसमें इन्होंने क्रिएटिव राइटिंग की बात की. अब इसमें पूछे इसमें कहा जा रहा है कि शशि देशपांडे जी ने क्या सलाह दी है राइटर्स को इस कलेक्शन में. टू राइट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, टू फोकस ऑन प्लॉट एंड कैरेक्टर, टू यूज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या टू फॉलो लिटरेरी ट्रेंड्स. तो किस चीज की सलाह इन्होंने दी है? इन्होंने कहा है टू राइट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. हमें हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखना है. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. हम आज के लिए इतना ही रखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पर मैंने एमसीक्यू नहीं क्रिएट किए लेकिन शुरुआत में मैंने उनको बताया है तो उनको भी आप नोट डाउन करके लर्न कर सकते हैं. ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ के साथ. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, इसमें ना जैसे हमने देखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीए ऑनर्स का सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे थे तो इसमें इंडियन राइटिंग्स वाला पार्ट आज कंप्लीट होता है. उसमें इतने ही राइटर मेंशन है. अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में जल्दी वीडियो लेकर आएंगे. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.